हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो वीडियो शुरू करने से पहले हम अपने फूलों को देख लेते हैं एक बार। ये येलो गुलदाउदी है, ये अभी थोड़े थोड़े सूखने लगे हैं, लेकिन अभी नए नए फ्लावर्स भी खिल रहे हैं। ये देखिए, ये नया फ्लावर है और ताज़ा है। और ये इनमें कुछ नए फ्लावर्स हैं, कुछ पहले के हैं जो अब ये देखिए सूखने लग गए हैं, और अब ये कुछ दिन और चलने वाले हैं। और ये मेरा इंग्लिश रोज़ का फ्लावर है जो पिछले 20 दिन से ऐसे ही खिला हुआ है, क्योंकि धूप निकलती नहीं है तो ठंडे मौसम में ये खिला ही रहता है। तो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है कटिंग्स को लगाना। आज हम मिनी चांदनी और फाइकस की कटिंग लगाएंगे, और कैसे लगाएंगे ये मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। देखिए, हमने अपनी कटिंग्स तैयार कर ली है और मैंने इन सब की एक्स्ट्रा लीव्स हटा दी हैं, और इनमें कुछ हार्डवुड हैं और कुछ सेमी हार्डवुड्स कटिंग हैं। ये देख, ये हार्डवुड हैं, ये तीनों कटिंग्स, इनको हम एक ही पॉट में लगाएंगे। और ये फाइकस की कटिंग्स हैं, ये कुछ हार्डवुड हैं और कुछ सॉफ्टवुड कटिंग्स हैं, सभी को हम लगाने वाले हैं। और ये हमने गुलदाउदी की भी एक्स्ट्रा लीव्स हटा दी हैं, लेंटाना की भी एक्स्ट्रा लीव हटा दी हैं, और ये हमारी सभी कटिंग्स अब लगाने के लिए तैयार हैं। ये हमने कटिंग लगाने के लिए मीडिया तैयार किया है। इसमें 50% सैंड है, 50% कोकोपीट है, और 1 चम्मच ट्राइकोडर्मा फंगिसाइड है। हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करके इन प्लास्टिक के मग्स में फिल कर लेंगे, जिनमें मैंने पहले से ही होल कर लिए हैं। ये देखिए, सभी मग्स में आपको होल दिखाई दे रहे होंगे। ये रूटिंग हार्मोन है जिसका हम इस्तेमाल करने वाले हैं अभी कटिंग लगाने के लिए। देखिए, ये फास्ट रूट्स है, और अब हम अपने मग्स में ये मीडिया अच्छी तरह से मिक्स करके फिल कर लेते हैं। ये देखिए, मग्स में हमने कोकोपीट और सैंड का मिक्सचर भर लिया है। अब हम किसी नुकीली चीज़ की सहायता से इसमें कटिंग सॉइल मिक्सचर में होल कर लेंगे इस तरह से। और ये जो कटिंग्स हैं, ये हम इसमें लगाएंगे। ये देखिए कैसे, पहले हम इसको पानी में डिप कर लेते हैं, फिर हम इसको रूटिंग हार्मोन में नीचे से रूटिंग हार्मोन लगाएंगे ताकि वो कटिंग से अच्छी तरह से चिपक जाए। और हम इसको अपने मग्स में ऐसे लगा देंगे, ऐसे, और साइड में से हम अपनी मिट्टी को अच्छी तरह से दबा देंगे। हमारी मिट्टी इतनी सॉफ्ट है कि कटिंग रुक नहीं रही है, इसीलिए हम अपनी कटिंग्स को सीधा खड़ा करने के लिए स्टोन्स का इस्तेमाल करेंगे। ये आप देख रहे होंगे मैंने इसमें स्टोन का इस्तेमाल कैसे किया है। अब जब तक ये कटिंग इसमें स्टेबलाइज नहीं होती, स्टेबल नहीं होती, ये स्टोन हम इसी में लगे रहने देंगे। और इस तरह से हम अपनी सारी कटिंग्स को लगा लेंगे। ये देखिए, हमने अपनी मिनी चांदनी की कटिंग्स को लगा लिया है। ये हमने अपनी फाइकस की कटिंग्स को भी इसी तरह से लगा लिया है। ये लैंटाना, ये गुलदाउदी, और हमने अपनी सभी कटिंग्स को इस मीडिया में लगा लिया है। अब हम कुछ दिन के लिए अपनी कटिंग्स को शेड में रखेंगे, क्योंकि आजकल धूप कम निकलती है, ठंड का मौसम है, तो बाहर भी रख सकते हैं। लेकिन अगर आपके यहाँ धूप निकली हुई है तो कुछ दिनों तक इन कटिंग्स को हम अंदर शेड में ही रखेंगे, और जब ये
लगे कि हाँ हमारी कटिंग्स स्टेबल हो गई हैं तो फिर हम इनको बाहर सेमी शेड में भी रख सकते हैं। अब हम अपने सभी कटिंग्स में वाटरिंग करेंगे और पहली बार हम फुल वाटरिंग करेंगे ताकि पानी नीचे ड्रेनेज होल से बाहर आ जाए। इसके बाद हम पानी तभी देंगे जब हमारा सॉइल मिक्सचर ऊपर से अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि सभी कटिंग्स चलनी चाहिए। इस तरह से हम किसी भी प्लांट की कटिंग को वो उगा सकते हैं। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।